संतों के पैर पड़ते हैं, भक्तों के पैर पड़ते हैं घर में, तो अच्छा लगता है। नहीं सही है, पूजा वहाँ पर हो रही है। तो नदी है जो बेसिकली जो एक्चुअल रिवर फ्रंट है वो वहाँ पर है, तो मैं आपको थोड़ा गाड़ी और आगे लेके जाता हूँ वहाँ। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज, मैं हूँ रुचिर। तो आज जो है हमारे घर में एक पूजा है, सुंदरकांड की पूजा है, तो उसके लिए सारा सुबह से तैयारियाँ शहर चल रही है। अभी चलते हैं मार्केट, नारियल लेकर आते हैं और एक दो और सामान लेकर आते हैं जो कि पूजा की सामग्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। ठीक है, चलो। ठंड इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर भी, और आज मैं आ गया हूँ पैदल ये सोच करके, चलो आसपास कहीं मिल जाएगा नारियल, बट देखो मेन मार्केट में आ गया। और हाँ, नारियल का वो ठेला दिख गया भाई, सही बताया था अंकल ने एक ने कि वहाँ पर मिल जाएगा। कचौड़ियों पर क्या लाइन लगी हुई है पूरा। यहाँ की भी मार्केट जो है ना देखते देखते इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है, स्टेशन मार्केट। जब गाड़ी नहीं लेकर आता ना और सोचता हूँ कि काम पैदल ही कर लेता हूँ, तब है ना सामान नहीं मिलेगा पास वाली दुकान से कभी भी भाई साहब, हमेशा दूर जाना पड़ेगा। और जब अगर मैं गाड़ी ले लूँगा तब तो इमिडिएट ही मिल जाएगा सामान, फिर लगता है भाई यार इतनी पास के लेके आई गाड़ी निकाली। ये देखो पूरा सेटअप, दादी जी से तो आप मिले ही हुए पहले भी। हाँ, वो तो है। क्या दादी जी आज आपने? रुचिर के दादाजी की आज पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में मेरे मन में आया था कि भाई 4 साल आज हो जाएंगे, इसलिए भाई उनके पूजा रखवा ले, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे सही है घर में। और इस उपलक्ष में सारे अपना मंडली का भी दर्शन हो जाता है, घर में आ जाते हैं, संतों के पैर पड़ते हैं, भक्तों के पैर पड़ते हैं घर में, तो अच्छा लगता है। नहीं सही है, अच्छा है। तो अभी बस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, दरबार सजाना है बस, अभी माला वाला चढ़ाएंगे, 3 बजे शुरू करेंगे, तो तिलक लगाना है और दरबार सजाना है, अभी आ जाएगी संगत तब सब शुरू करेंगे। चलो सही है भाई। गाय का बच्चा देखो कितना छोटा है यार, तो वह शुरू हो गया है। पूजा वहाँ पर हो रही है और बैठिए यहाँ पर अपनी खाली हमारे Yeah.
जी बाजार घूमने के लिए और मैं एकदम शादी वाले फोटोग्राफर की तरह आगे आगे जैसे बारातियों को कैप्चर करते हैं ना वैसे कर रहा हूँ। मैम इधर देखिए, मैम सुमिता मैम साक्षी मैम बाहर निकली घर से और कहती है ठंड लग रही है तो एक ले रहे ना स्वेटर की और लिया, मेरे को भगाया घर तक यहाँ से किस चीज के लिए, ये देखो ये इतना पतला स्वेटर जैसे पता नहीं किस क्या ही चीज पहन ली और ठंड रुक गई है उस पर। हद है भाई साहब, वेस्ट ऑफ एफर्ट। चलो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में क्योंकि हमें दिख गए हैं अनीबो नागा मोमोज। तो मैंने कहा यार मोमोज अच्छे लग रहे हैं यहाँ के और ऑथेंटिक मिलेंगे ऐसा लग रहा है। तो एक प्लेट मोमोज स्टीम भाई, मोमोज तो सच में बड़े गजब है, नहीं बहुत अच्छा है। तो यार सब अच्छे से हो गया, जो पार्ट वगैरह होना था वो सब सही तरीके से हो गया। तो हमने कहा चलो अब मंदिर का जो भी सामान सुमान है वो सब दे आए, तो बस वो जा रहे हैं सामान दे रहे हैं। इसका जो डाले वाला हिस्सा है बेसिकली जो ट्रंक एरिया है, लोडिंग एरिया है, ऐसा लगता है जैसे किसी बस की वो डिग्गी विग्गी खुलती है उसमें क्या कहते हैं वो ही भर देते हैं अटैचियों पे अटैचियों। बहुत बढ़िया है यार इसकी लोडिंग कैपेसिटी, बहुत ही बढ़िया भाई इसकी डिग्गी ना कसम से बहुत बढ़िया है, कुछ भी डाल दो। चलो आज आपको ना घर बैठे बैठे दर्शन कराया था भगवान जी के, लो कर लो दर्शन। घर बैठे बैठे भगवान जी के दर्शन भी करवा रहा हूँ तो और क्या ही चाहिए है। अब तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं घर बैठे बैठे सोचो। और वीडियो अगर अभी तक पसंद आ गई और यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखो एक सर्कल कितना सही कर रखा है, एरोड्रम सर्किल कोटा का, इंडिया का पूरा झंडा विद लाइट्स, गजब गजब क्रिएशन है गजब। अभी भी काम चल रहा है। चलो ट्रिप एंडेड, चलते हैं वापसी घर की तरफ और रास्ता फिर से बोल रहा हूँ नहीं दिखाऊंगा ज्यादा बिकॉज चलो बाय बाय कहने का टाइम लोड हो गया अपना डाला, पिक्का एकदम फर्स्ट क्लास लोडेड रेडी टू गो, चलो चलते हैं। तो जी 11 बज रहे हैं और अभी स्टार्ट हो रही है जर्नी रिटर्न की। मौसम आज भी बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है, जैसे हम आते हुए फील कर रहे थे वैसे ही जाते हुए भी फील कर रहे हैं कि सेम मौसम सेम ठंडक लेवल, मज़ा आ रहा है। लेकिन एज यूजुअल है हर ट्रिप में जैसा होता है कि आते वक्त तो बहुत एक्साइटमेंट होती है बट जाते हुए ऐसा होता है यार बताओ यार हो भी गए खत्म ये दिन आने वाले, तो बस वो होता है। बताओ बातों बातों में कोटा सिटी के अंदर ही आ गए, एरोड्रम सर्किल पहुंच गए, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि वहां से दूसरी जगह मतलब वो क्या बॉर्डर की तरफ हाईवे की तरफ जाना है। ये होता है गाड़ियों में जब कप्पे चलती है ना उसका नतीजा। ये तो यार जगह गजब ही कर रखी है, नया पूरा क्या लगता है ना इतना हेरिटेज स्ट्रक्चर पूरा और सारा एक ही कलर का पिंक, सारे दुकानों के बोर्ड्स देखो आप एक तरह के हैं और रात में तो खैर लाइट्स में आपको दिखाई रखा है मैंने, क्या गजब लगता है। नहीं देखा वो वाला व्लॉग तो प्लीज जाके देखिए कोटा के व्लॉग्स हमारे। तो देखो वैसे मेरा प्लान तो इस बार था कि रिवर फ्रंट जाऊंगा और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा एक्सप्लोर करूंगा, बट अभी शायद इसकी टिकट्स वगैरह मिलनी बंद है और कमिंग सून दिखा रहा था तो अभी अलाउड नहीं है, शायद कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है या जो भी है। बट यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ, अभी मैं एक्चुअली गाड़ी फ्लाईओवर पे ही खड़ी कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। अभी आगे मैं आपको थोड़ा और रुक के दिखाता हूँ कि जो नदी है जो बेसिकली जो एक्चुअल रिवर फ्रंट है वो वहाँ पर है, तो मैं आपको थोड़ा गाड़ी और आगे लेके जाता हूँ वहाँ रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेकिन देखो यार कितना सुंदर बना रखा है, नाइसली मेंटेन्ड, अभी तो खैर नया ही है बट बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही है ना ऊपर जो किले की दीवार के ऊपर ये पूरा जो फसाड इन्होंने कर रखा है बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर प्रॉपर हेरिटेज फील्स। सो प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू रिवर फ्रंट ऑफ कोटा, देखिए। अब देखो ये कितना ही सही लग रहा है यार, और अभी ना पानी का फ्लो एक्चुअली कम है क्योंकि डैम गेट्स कम खुले होंगे तो वो देखो हल्का हल्का आपको बस पानी यहाँ पे फ्लो होता हुआ दिख रहा है। और मैं ये फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ, इस ब्रिज पे तो गाड़ियां जब जा रही है ना तो प्रॉपर हिल रही है।
ये देखो यार क्या नज़ारा है, वाइट बर्ड्स उड़ती हुई, बहुत सुंदर। चलते हैं अब वापसी और इधर भी एक बार देख लो, ये भी काफी सही लग रहा है। वो देखो बीच में एक आइलैंड की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखा है। अभी है ना ये बंद है, नहीं तो मेरा पूरा प्लान था यहाँ पे जाके शूट करने का, आप लोग को दिखाने का, बट अभी ये बंद है। जैसे कि मैंने बताया टिकट्स का दिखा रहा था कमिंग सून, सो इसीलिए यहाँ पर है ना आना हो नहीं पाया इस बार, बट यस ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम कोटा आना जाना होता रहता है हमारा, सो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़ी हल्की हल्की फॉग भी है तो क्लैरिटी नहीं है, नहीं तो यहाँ से वो सामने की तरफ पूरे डैम के गेट्स भी दिखते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ हल्के हल्के दिख रहे हैं बट कैमरा नहीं देख पा रहा है। भाई साहब इस ट्रक की कमानी देखो आप, लीव स्प्रिंग कितनी बड़ी है, कितने सारी पट्टियां हैं इसमें, कम से कम मैंने तो 15 से 20 पट्टे हैं इसमें कमानी में, इतनी बड़ी कमानी है, क्योंकि ऑब्वियसली लोडिंग जितनी ज्यादा लोडिंग चाहिए उतनी बड़ी कमानी आपको लगानी पड़ेगी। अब जैसे अपनी गाड़ी में क्या है, सिर्फ टोटल 3 पट्टे हैं, एक सपोर्ट है और 2 फंक्शनल है, तो इसमें देखो कम से कम मैंने तो 15-20 पट्टियां तो है ही है और लोड भी उस हिसाब से होता है। चलो हैप्पी जर्नी, थैंक्स फॉर विजिट, थैंक यू फॉर विजिट नहीं लिखा हुआ भाई, क्या बात है, कोई नहीं हम बोल देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग। आपको भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी हमारे साथ विजिट कर ही रहे हो ब्लॉग में, तो इसलिए थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन, हैप्पी जर्नी। एकदम ही मौसम ऐसा हो गया जैसे बारिश आने वाली है, काले बादल दिख रहे हैं जैसे बारिशों के टाइम पे होता है ना मानसून के टाइम पे, एकदम 12 बज रहे हैं और काला काला हो गया आसमान, वैसा लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वैसे एक बात है इस मौसम में घूमने का तो मजा आता है, कोई भी ट्रिप पे आप होते हो ना घूमने का पूरा मजा आता है, क्योंकि धूप पे क्या होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तो पसीने पसीने और फिर वो बाहर निकलना नहीं है गाड़ी से, अभी एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है और मजा आता है हर एक चीज को देखने में ना, कूल लाइटिंग होती है हर जगह, बहुत ही ज्यादा वार्म नहीं होता है। अब ये देखो इस लोकेशन पे कौन कहेगा कि हम राजस्थान में, ऐसा नहीं लग रहा कि यार हिमाचल की एंट्री होने वाली है या उत्तराखंड की एंट्री होने वाली है, पूरे पहाड़ है, मौसम भी देखो फॉग भी वैसी हो रही है। ये टनल की एंट्री है, इतने दिनों बाद धूप देखने को मिली है, फाइनली धूप निकल कर आई है, खिली खिली धूप, मतलब भूल ही गए थे भाई धूप होती कैसी है, इतने दिनों में निकली है, 6-7 दिन हो गए कम से कम। ये देखो देख लो आप लोग भी, अगर आप लोग भी नॉर्थ में रहते हो आपने नहीं देखी होगी धूप इतने दिनों से। तो जी ये जा रहा था हाईवे, हम आ गए थोड़ा सा ऑफ लेकर, क्योंकि खाना हम बना के लेकर आए, मैंने कहा लोकेशन थोड़ी स्पेशल हो तो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे लेके चलते हैं और वहां पे अपना मील करेंगे, बिट ऑफ द ऑफ रोड विच आई लाइक द मोस्ट। फर्स्ट क्लास जगह है जी, जंगल के बीच में एकदम, ऑफ रोड तो होना जरूरी है ना, देखो ट्रिप कोई भी हो ऑफ रोड इज मस्ट। और मैं एक चीज दिखाऊं, पीछे है ना मम्मी पार्ट करना स्टार्ट कर दिया कि पता नहीं कहां क्या क्या लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है। बस बस देखा देखा पीछे से आवाज आ गई, बस यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हाइट पे ले जाके रोक रहा हूँ, बस यहाँ पे खाएंगे आराम से।